नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जनपद संभल में प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों का हो रहा निशुल्क इलाज, कर रहे प्रधानमंत्री का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया विजन विकास के तमाम मानकों के अलावा ऐसे स्वस्थ भारत का सपना भी है जहां अमीर गरीब सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समान रूप से मिल सके और धन के अभाव में किसी का इलाज प्रभावित न हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। लाभार्थियों को योजना से वास्तविक रूप में लाभ मिल सके, इसके लिए प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश में अब तक 25 मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 2,294 अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना ने राज्य के करीब 1.18 करोड़ परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस तरह आबादी का वह बड़ा हिस्सा जो अस्पताल के बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, उसे भी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सामाजिक समानता की ओर यह एक बड़ा कदम है। इसी के तहत जनपद संभल के चंदौसी में ऐसे लोग का इलाज पार्थ हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जा रहा है। ऐसी ही एक मरीज गायत्री राघव, जो कि पित्त की थैली का ऑपरेशन इस योजना के तहत पार्थ हॉस्पिटल में करा रही है, का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक बहुत अच्छी योजना है जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज अच्छे से करा पा रहे हैं। ऐसे ही एक अन्य माँ रीस पप्पू ने बताया कि इस योजना के माध्यम से गरीब लोग भी अपना इलाज अच्छे से निजी अस्पतालों में करा पा रहे हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पार्थ हॉस्पिटल पहुंचे रंजीत सिंह ने बताया कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजना है जिससे गरीबों को भी 5 लाख रुपए का इलाज निशुल्क कराने का अवसर मिल पा रहा है। वहीं पार्थ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर वीरेश ने भी इसे बहुत ही अच्छी योजना बताई और मोदी जी की तारीफ की। हम पप्पू नाम है। कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? चंदौसी। कौन से हॉस्पिटल में? ये पार्थ। पार्थ में क्या हुआ था आपको? पानी आ गया। अच्छा, तो इसमें आपको इलाज कैसे चल रहा है, किस चीज़ से चल रहा है? पानी का। किस योजना के तहत? किस योजना के तहत आपको यहाँ पर भर्ती? अच्छा, करा गया है ये आयुष्मान कार्ड के हिसाब से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस योजना के तहत? योजना सही बनाई है गरीब लोगों की, वो है योजना। आपका गायत्री राघव। क्या हुआ आपको? पित्त की थैली में पथरी थी। कहाँ चल रहा है आपका इलाज? चंदौसी पार्थ हॉस्पिटल में। आपका किस योजना के तहत इलाज चल रहा है? आयुष्मान पर। आयुष्मान, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ने ये बहुत अच्छा काम करा जो सबके लिए सुविधा दी है। आप संतुष्ट हैं इस योजना से? हाँ, संतुष्ट है। तो आप तक, आपका ऑपरेशन हो गया? हाँ, हो गया ऑपरेशन। डॉक्टर वीरेश, कौन सा हॉस्पिटल संचालित करते हैं? हम लोग पार्थ हॉस्पिटल को चलाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, ये मोदी ने एक स्कीम चलाई है आयुष्मान योजना, उसके अंतर्गत आपके यहाँ लोगों का इलाज होता है, क्या कहेंगे? देखिएगा, देश स्तर पर मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। कई ऐसे कम से कम 50-40 मरीज हम ऐसे बता सकते हैं जो बिस्तर में पड़े सड़ रहे थे, थैली का ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, बवासीर का नहीं करा पा रहे हैं, हार्निया का नहीं करा पा रहे हैं, दर्द से पीड़ित थे। हम लोगों ने घर से उठाकर भी लाए, हम कुछ लोग अपने आप भी आए। बहुत अच्छा देश के लिए इस योजना के अंतर्गत गरीब मरीजों के लिए बहुत अच्छा सहयोग है ये, और लोग इसका लाभ उठाएं क्योंकि इसमें सारी चीज़ बिल्कुल निःशुल्क हैं, चाहे वो पेशेंट जाँच करा रहा हो, चाहे उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हो रही हो, चाहे एनेस्थीसिया का हो या किसी भी चीज़ का अन्य ऑपरेशन से संबंधित चीज़ हो जो हमारे यहाँ होती है, वो 100% निःशुल्क है और 1 रुपया भी वो उसमें नहीं देगा। उसका चाय नाश्ते की व्यवस्था भी हम लोग खुद करते हैं। सरकार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का एक सराहनीय कदम है और सरकार के इस तरह के कदम देश के लिए बहुत अच्छे हैं। आयुष्मान के कार्ड और भी लोगों के बन रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार के इससे और सराहनीय कदम क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो गरीब मरीज की सेवा के लिए कदम है। बाकी हम एक दिन नाली बंद हो जाए तो जिंदा रह सकते हैं, एक दिन और कोई गड़बड़ हो जाए तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो एक दिन काटना हमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सरकार के सबसे बड़े कदमों में, महत्वपूर्ण कदम सबसे बड़ा इसी को माना जाएगा।